पेल्विस पेरिनियम का जो है ना, पेरिनियम टॉपिक्स जो है उस पर फोकस करके पढ़ाऊँगा, जो FCPS के गहनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स जस्ट ए ब्रीफ रैपिड ओवरव्यू ऑफ पेरिनियम टॉपिक ना, दैट इज़ लाइक मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द एनाटॉमी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे तरीके से जो है ना वो समझा सकूँ पेरिनियम। ठीक है, तो बी विद मी फॉर लाइक नेक्स्ट मिनट्स, फ्यू मिनट्स, तो इंशाल्लाह विल कवर दिस पेरिनियम टॉपिक। ओके, पेरिनियम जो होती है ना, पेरिनियम के बारे में ना, पेरिनियम को पढ़ने से पहले कि उसमें होता क्या, कि उसमें CPSP MCQs क्या पूछती है, पेरिनियम को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरिनियम में है क्या और पेरिनियम में क्या क्या चीज़ किस किस तरह से होती है। तो जो पेरिनियम होता है ना, पेरिनियम जो होता है वो लिथॉटमी पोजीशन में पड़ा होता है। लिथॉटमी पोजीशन में जो आपका पेरिनियम रीजन है, डैट इज़ इन लिथॉटमी पोजीशन। ठीक है, अगर मैं स्किन को निकाल दूँ तो स्किन के नीचे नीचे जाऊँ, सो एवरीथिंग वी फाइंड फर्स्ट बीनीथ द स्किन इज एक्चुअली सुपरफिशियल, या फिर उस सुपरफिशियल को मैं इन्फीरियर या डाउन भी कह सकता हूँ। सही है, दिस इज द डिफरेंस। आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, पेरिनियम में यही तो डिफरेंस है कि वो लिथॉटमी पोजीशन में होती है ना, दिस इज द लाइक लिथॉटमी पोजीशन, तो उसमें एवरीथिंग आई फाइंड फर्स्ट इज सुपरफिशियल और डाउन। ठीक है, इन्फीरियर, सुपरफिशियल इज व्हाट, डाउन या इन्फीरियर। सही है, सो जब मैं डिसेक्ट करता हूँ इन्फीरियर टू सुपीरियर, ठीक है, मैं डिसेक्ट करता हूँ इन्फीरियर टू सुपीरियर यानी सुपरफिशियल टू डीप, तो सुपीरियर जो चीज़ें होंगी वो एक्चुअली डीप होंगी पेरिनियम में। ये अगर बात समझ आ गई है ना, तो पेरिनियम इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सही है, कि जो जितनी सुपीरियर चीज़ होगी वो उतनी डीप होगी और जितनी इन्फीरियर चीज़ होगी वो उतनी सुपरफिशियल होगी पेरिनियम, क्योंकि लिथॉटमी पोजीशन में है। तो जब आप लिथॉटमी पोजीशन में चीज़ों को देखते हो तो ऐसे ही व्यू होता है। अच्छा, सो द मोर वी गो अबव द मोर वी गो डीप इन द पेरिनियम। सही है, द मोर वी गो अबव द मोर वी गो डीप। सही है, सो मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा सुपरफिशियल होती है पेरिनियम में वो उतनी इन्फीरियर होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा डीप होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा डीप होती है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है, सुपीरियर होती है। ये पेरिनियम में इस तरह समझ आ गया। अब पेरिनियम में बेसिकली बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। पेरिनियम जो है टॉपिक, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि उसका एक तो आप लोगों को ये ओवरव्यू पता हो, उसके बाद पेरिनियम में हमने बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि पेरिनियम की जो होती हैं वो बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। सही है, सो लेट मी टेल यू गाइस, मैंने अभी बताया कि पेरिनियम जो होता है वो लिथॉटमी पोजीशन में होता है। तो लिथॉटमी पोजीशन में आगे की तरफ क्या चीज़ होती है, ये इमेजिन करें, दिस इज़ व्हाट प्यूबिक सिंफिसिस, और ये जो दो हैं दीज आर व्हाट इश्कियल ट्यूबरोसिटीज। सही है, दिस इज़ प्यूबिक सिंफिसिस, दीज आर इश्कियल ट्यूबरोसिटीज। सही है, और जो बैक साइड पे चीज़ पड़ी होती है, मैं अब बैक साइड पे आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ पेरिनियम का, तो ये है जी सैक्रम, दिस इज सैक्रम, और सैक्रम के ऊपर होता है कॉक्सिक्स। तो सैक्रम और कॉक्सिक्स बैक साइड पे पड़ी है, आगे क्या पड़ा है प्यूबिक सिंफिसिस, और साइडों पे क्या पड़ा है इश्कियल ट्यूबरोसिटीज। तो अगर कोई पूछे कि पेरिनियम की बाउंड्रीज क्या हैं, तो आप कहोगे आगे प्यूबिक सिंफिसिस होता है, साइडों पे इश्कियल ट्यूबरोसिटीज, ये मेरे अंगूठे दो हैं इश्कियल ट्यूबरोसिटीज, ये इश्कियल ट्यूबरोसिटीज होती हैं, और पीछे सैक्रम और कॉक्सिक होता है। सही है, अच्छा अब इसी बेस को लेके आगे मैं बताता हूँ जो सेक्रम होता है वहां से इश्कियल ट्यूबरोसिटी तक एक लिगामेंट आ रहा होता है, उसे कहते हैं सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो बैक साइड पे हो गया सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। फिर जो प्यूबिक सिंफिसिस आगे था, वहां से इश्कियल ट्यूबरोसिटी तक एक चीज आ रही होती है, उसे कहते हैं इस्कियोप्यूबिक रेमस, इस्कियोप्यूबिक रेमाए। सही है, प्यूबिक सिंफिसिस से इश्कियल ट्यूबरोसिटी तक इस्कियोप्यूबिक रेमस आ रहा होता है। सही है, अब ये जो एरिया था ना इस्कियोप्यूबिक रेमस तक, सही है, वहां पे दोनों साइडों पे एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो इंटीरियर होती है इश्कियल ट्यूबरोसिटी। फॉर एग्जांपल दिस इज इश्कियल ट्यूबरोसिटी ना, और ये प्यूबिक सिंफिसिस है, ये जो मेरी ये वाली लाइन है यहाँ से शुरू होके एक इमेजिनरी लाइन होती है जस्ट इंटीरियर टू इश्कियल ट्यूबरोसिटी, जो डिवाइड करती है पेरिनियम को दो एरियाज में। सही है, आगे जो पेरिनियम है वो दो एरियाज में डिवाइड हो जाएगा। सही है, उसको एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन वो जो है ना डिवाइड करती है। तो पेरिनियम जो है वो जो दो एरियाज होते हैं जिनमें डिवाइड होता है उसे कहते हैं, एक को कहते हैं एनल केनाल और एक को कहते हैं यूरोजेनिटल ट्राइंगल। एक होगा एनल केनाल और एक होगा यूरोजेनिटल ट्राइंगल। अब एनल केनाल जो होता है उसके इर्द गिर्द क्या होता है, उसके इर्द गिर्द होता है इश्कियोरेक्टल फोसा। यानी ये फॉर एग्जाम्पल अगर एनल केनाल है तो उसके इर्द गिर्द जो फोसा होगा डेट इज़ कॉल्ड इश्कियोरेक्टल फोसा। और जो यूरोजेनिटल ट्राइंगल है उसमें क्या क्या होता है,
यूरोजेंट्रल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, उसमें यूरिनरी और जेंटल स्ट्रक्चर्स और पाउचेस होते हैं, यूरिनरी स्ट्रक्चर्स, जेंटल स्ट्रक्चर्स और पाउचेस होते हैं, सही है। इन दिस वे यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि पेरिनियम है क्या और इसमें क्या क्या डिवीजंस हो रही हैं और कैसे कैसे इसकी बाउंड्रीज बन रही हैं। ओके, अब मैं पेरिनियम में थोड़ा सा डीप जाने लगा हूँ, पेरिनियम की चीज़ों को समझाने लगा हूँ। जो हाईएस्ट लेवल होता है ना पेरिनियम का, उसे कहते हैं पेल्विक डायफ्राम। हाईएस्ट लेवल ऑफ पेरिनियम इज कॉल्ड एज पेल्विक डायफ्राम। हाईएस्ट लेवल ऑफ पेरिनियम को क्या कहते हैं, पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम के अंदर तीन मसल्स होते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ पेरिनियम इज कॉल्ड पेल्विक डायफ्राम, और पेल्विक डायफ्राम के अंदर थ्री मसल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स पे, बोन से आते हैं और कन्वर्ज होते हैं कॉक्सिक्स पे, सही है। टू अंडरस्टैंड पेरिनियम यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स विच कम फ्रॉम थ्री डिफरेंट एरियाज ऑफ द बोन्स कन्वर्जिंग ऑन द कॉक्सिक्स। ओके, इसका मतलब उन सारे मसल्स में कॉक्सिक्स जो है वो कॉमन होगा, लेकिन थ्री बोन्स कौन सी हैं, एक है प्यूबिक बोन, एक है इलियम बोन, एक है इश्कियम बोन। तो इन मसल्स के भी नाम यही होंगे, इलियोकॉक्सिजियस, इश्कियोकॉक्सिजियस, प्यूबोकॉक्सिजियस। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थ्री बोन्स कन्वर्जिंग ऑन कॉक्सिक्स, सो उनके मसल्स के नाम भी यही होंगे, इलियोकॉक्सिजियस, प्यूबोकॉक्सिजियस, इश्कियोकॉक्सिजियस। चलो ये बात समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा और आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करने लगा, प्लीज बी विद मी। जो प्यूबोकॉक्सिजियस है और इलियोकॉक्सिजियस है, इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं लिवेटरेनाए, ठीक है। आज से पहले मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को भूल गई होगी बात, ये पुरानी पड़ी हुई होगी। प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस को टुगेदर क्या कहते हैं, लिवेटरेनाए। सो लिवेटरेनाए इज नथिंग बट योर प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इलियोकॉक्सिजियस टुगेदर। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाईएस्ट लेवल जो होता है पेरिनियम में पेल्विक डायफ्राम होता है। पेल्विक डायफ्राम में तीनों मसल्स होते हैं, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस और इश्कियोकॉक्सिजियस। सो इश्कियोकॉक्सिजियस के अलावा प्यूबो और इलियोकॉक्सिजियस, इन दोनों को मिला दें तो ये होता है लिवेटरेनाए। सो लिवेटरेनाए में दो मसल्स होते हैं, पेल्विक डायफ्राम में तीनों मसल्स होते हैं। इजी। अब पेरिनियम में होती हैं थ्री ओपनिंग्स, देर आर थ्री ओपनिंग्स इन पेरिनियम। एक होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, एक होती है वजाइनल ओपनिंग, एक होती है रेक्टल ओपनिंग। यूरिथ्रल, वजाइनल और रेक्टल। अच्छा, अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, डेट इज प्यूबोकॉक्सिजियस। प्यूबोकॉक्सिजियस, जो प्यूबोकॉक्सिजियस होगा ना सर, ये आपका स्लिंग बनाएगा, स्लिंग बनाएगा इन तीनों ओपनिंग्स के अराउंड। अगर वो यूरिथ्रा के अराउंड स्लिंग बनाए प्यूबोकॉक्सिजियस, तो उसको कहेंगे प्यूबो यूरिथ्रेलिस मसल। उसको क्या कहेंगे, प्यूबो यूरिथ्रेलिस मसल। अगर जो प्यूबोकॉक्सिजियस है वो वजाइना के अराउंड स्लिंग बनाए, तो उसे कहेंगे प्यूबो वजेनेलिस मसल। अच्छा, और यही अगर प्यूबोकॉक्सिजियस रेक्टम के अराउंड स्लिंग बनाए, तो उसे कहेंगे प्यूबो रेक्टेलिस मसल, ठीक है। सो दीज मसल्स आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ प्यूबोकॉक्सिजियस, सही है? अब ये जो एंड पे मैंने बताया ना, रेक्टम के अराउंड जो स्लिंग बनाता है प्यूबोकॉक्सिजियस, ये इसे कहते हैं प्यूबोरेक्टेलिस मसल। ये जो प्यूबोरेक्टेलिस मसल है, ये बेसिकली मेंटेन करता है एनल एंगल, एनोरेक्टल एंगल, ये एमसीक्यू आता है सीपीएसपी में। रेक्टल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करता है, एनोरेक्टल एंगल को मेंटेन करता है, तो डेट इज प्यूबोरेक्टेलियस रेक्टेलिस मसल। और प्यूबोरेक्टेलिस मसल इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, और प्यूबोकॉक्सिजियस मसल इज ए पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम, पार्ट ऑफ लिवेटरेनाए। Now you understand everything. Now you understand. I hope you people understand everything. Okay. अब होता क्या है? अब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया pelvic diaphragm. Below this pelvic diaphragm, there is another diaphragm. ठीक है? Let's explore perineum a bit more. सही है? Below this pelvic diaphragm, there is another diaphragm. Pelvic diaphragm के नीचे एक और diaphragm होती है. उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरोजेनिटल डायफ्राम और यूरोजेनिटल ट्रायंगल, सही है। सो दिस इज अ बिट ओवरव्यू अबाउट पेरिनियम के, जिसमें आप लोगों को पेरिनियम की ये जो चीज़ें हैं इनका पता हो, क्या क्या होता है, क्या क्या इनमें वो चीज़ें बनती हैं और कैसे कैसे होता है। चलो अब मैं पेरिनियम के बारे में थोड़ा सा और आप लोगों को इसमें चीज़ें बता देता हूँ कि पेरिनियम में और क्या क्या होता है। ये जो यूरोजेनिटल डायफ्राम होती है ना, मैंने कहा कि पेल्विक डायफ्राम के नीचे एक और डायफ्राम है, उसे कहते हैं यूरोजेनिटल डायफ्राम। ये जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है।
एक इसकी होती है सुपीरियर लेयर, एक इसकी होती है इन्फीरियर लेयर। एक क्या होती है सुपीरियर लेयर, एक होती है इन्फीरियर लेयर। अब बी विद मी, बी विद मी, यू यू विल इंजॉय, यू विल इंजॉय फॉर श्योर। पहले भी यूरोजेनिटल डायफ्राम की डबल लेयर्ड है ना, एक है सुपीरियर लेयर, एक है इन्फीरियर लेयर। जो इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है ना सर, जो इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है, डेट इज कॉल्ड एज पेरिनियल मेम्ब्रेन। इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम इज कॉल्ड एज पेरिनियल मेम्ब्रेन। सही है, नाउ यू अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा सर लिवेटर एनाई क्या होता है, अच्छा पेल्विक डायफ्राम क्या होता है, अच्छा पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होती है, अच्छा वो इसके ऊपर ग्रेमस कैसे बनता है। एवरीथिंग इज नाउ अ बिट ऑफ इनसिमेट्री इन योर माइंड। सही है, एवरीथिंग इज इनसिमेट्री। ओके, जो इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है उसे कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। सही है, अब होगा क्या, होगा क्या कि ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर मैं यूरोजेनिटल डायफ्राम का, यूरोजेनिटल डायफ्राम का सेजिटल सेक्शन लूँ, मैं एक सेजिटल सेक्शन बनाऊँ, सही है, यूरोजेनिटल डायफ्राम का, तो क्या होगा कि फ्रॉम अबव डाउनवर्ड और डीप टू सुपरफिशियल, मैंने आप लोगों को समझा दिया था सुपरफिशियल क्या चीज़ है, डीप क्या है। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड और डीप टू सुपरफिशियल यू विल सी, यू विल सी, यू विल सी पेल्विक डायफ्राम। आपको पहले पेल्विक डायफ्राम नजर आएगा, पेल्विक डायफ्राम के बाद यू विल सी यूरोजेनिटल डायफ्राम, जिसकी एक सुपीरियर लेयर है और एक इन्फीरियर लेयर है। इन्फीरियर लेयर इज कॉल्ड एज पेरिनियल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके नीचे आपको नजर आएगा बल्ब ऑफ पेनिस, उसके बाद आपको नजर आएगा बल्ब ऑफ पेनिस, शाफ्ट ऑफ पेनिस, और उसके अंदर क्या होगा स्पंजी यूरिथ्रा। सही है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है पेल्विक डायफ्राम, यूरोजेनिटल डायफ्राम, टू लेयर्स ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, सुपीरियर लेयर, इन्फीरियर लेयर। इन्फीरियर लेयर को कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, उसके नीचे बल्ब ऑफ पेनिस, शाफ्ट ऑफ पेनिस, शाफ्ट ऑफ पेनिस के अंदर क्या होगा स्पंजी यूरिथ्रा। ठीक है, इन बिटवीन यूरोजेनिटल डायफ्राम, इन बिटवीन यूरोजेनिटल डायफ्राम देर इज ए पार्ट ऑफ यूरिथ्रा कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ओके, यूरोजेनिटल डायफ्राम के अंदर जो होता है वो होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रल पार्ट होता है यूरोजेनिटल डायफ्राम के अंदर। अच्छा ओके, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब जनाब जो स्कारपास पेशिया होता है ना, अब चलो थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को पाउचेस के बारे में बता देता हूँ, पाउचेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि पाउचेस कैसे कैसे बनते हैं। इन बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम देर इज ए पाउच, इन बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम देर इज ए पाउच कॉल्ड एज डीप पेरिनियल पाउच, कॉल्ड एज डीप पेरिनियल पाउच। अब आप लोगों को पता है ना कि डीप पेरिनियल पाउच में क्या चीज़ होगी, डीप पेरिनियल पाउच में क्या चीज़ होगी, अभी मैंने बताया कि डीप पेरिनियल पाउच में मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इन बिटवीन यूरोजेंटल डायफ्राम, तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो होगा वो होगा। अच्छा, इन बिटवीन पेरिनियल मेम्ब्रेन या इन्फीरियर लेयर ऑफ यूजीडी एंड नीचे जो है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कारपास पेशिया जो होता है ना वो कंटिन्यू करता है पेरिनियम में अराउंड द डार्टस मसल एंड सक्रॉटम, लाइक सक्रॉटम और डार्टस मसल के अराउंड, और उस और पोस्टीरियरली जो होता है वो कंटिन्यू करता है एज कोली फेशिया। ठीक है, इंटीरियरली जो होता है, इंटीरियरली सुपरफिशियर, सुपीरियर इन्फीरियर लेयर ऑफ यूजरी जो कनेक्ट होती है ट्रांसपेरिनियल लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, सो इन बिटवीन सुपीरियर इन्फीरियर लेयर ऑफ यूजरी यू विल सी डीप पेरिनियल पाउच, इन बिटवीन इन्फीरियर लेयर ऑफ यूजरी, इन्फीरियर लेयर ऑफ यूजरी डेट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिनियल मेम्ब्रेन, सो एंड कोली स्पेशिया बिलो जो सुक्रॉटम वाला होता है, कोली स्पेशिया नीचे पोस्टीरियर साइड पे, सो देर इज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, नीचे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होता है। तो ये एमसीक्यू आता है, सुपरफिशियल या सुपीरियर लेयर ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इज फाउंड बाय, तो डेट इज इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम और पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो ये सीपीएसपी क्वेश्चन करता है आपको। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड के पाउचेस कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें बन जाती हैं इनमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आप लोगों को जो एम सी क्यूज आते हैं या जो चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें प्रीनियम में, सही है, इश्कियो रेक्टल फोसा वगैरह, अब आप लोगों को समझ आ गया क्या क्या होता है, इनकी डिटेल्स आप लोगों ने खुद देख लेनी है। यूट्रस के लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूट्रस के लिगामेंट्स, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है यूट्रस के लिगामेंट्स में, कि यूट्रस के लिगामेंट्स जो होते हैं उनमें जो कह लें कि मेजर सपोर्ट ऑफ द यूट्रस कौन सा होता है, तो इंसान की बॉडी में दिल इम्पॉर्टेंट है,
उस तरह दिल वाले नाम का जो यूट्रस में लिगामेंट है डेट इज कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट, डेट इज द मेजर सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। कार्डिनल लिगामेंट को ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, कार्डिनल लिगामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, डेट इज द मेजर सपोर्ट ऑफ यूट्रस, सही है। लेकिन डायनेमिक सपोर्ट ऑफ यूट्रस क्या होता है? पेल्विक डायफ्राम। लेकिन नाउ यू पीपल नो कि व्हाट इज पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो कौन सा लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है जिसके थ्रू यूट्रस का कैंसर जो है वो स्प्रेड करता है, या फिर जिसके एक्स्ट्रा और इंट्रा पेल्विक एक्सटेंशन होते हैं? सो आवारा बंदा, जिस तरह आवारा जो है, आवारा जो चीज़ होती है वो राउंड लगाती है, उसी तरह यूट्रस का एक लिगामेंट है जो राउंड लगाता है। वो क्या करता है, उसके राउंड जब वो लगाता है तो उसके एक्स्ट्रा और इंट्रा पेल्विक एक्सटेंशन बन जाती हैं। ये भी CPSP का MCQ है, एक्स्ट्रा पेल्विक और इंट्रा पेल्विक एक्सटेंशन किसकी होती हैं? राउंड लिगामेंट की। और कैंसर कौन करवाता है? कैंसर भी कौन करवाता है? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस हो गया, जो ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, मेजर सपोर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्रॉड लिगामेंट के बारे में क्या होता है कि ये डबल फोल्ड पेरिटोनियम है, डबल फोल्ड पेरिटोनियम है जो लेटरल मार्जिन ऑफ यूट्रस से लेकर लेटर पेल्विक वॉल तक जाता है, सही है। तो ये लिटिल सपोर्ट टू द यूट्रस देता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये MCQ आ जाता है। ब्रॉड लिगामेंट में क्या, यूट्राइन ट्यूब होती है, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी होता है, और यूट्राइन और ओवेरियन वेसल्स होती हैं, ठीक है। सो इसका जो MCQ राउंड लिगामेंट का एक और आता है, राउंड लिगामेंट का एक और MCQ आता है कि यूट्रस को एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स पोजिशन में रखता है, सही है। सो तीन MCQs आते हैं राउंड लिगामेंट के, मैंने आप लोगों को बता दिया, कैंसर वाला और इंट्रा पेल्विक और एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशंस वाला, और एक आ जाता है इट हेल्प्स इन कीपिंग यूट्रस एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स पोजीशन, सही हो गया। अच्छा, ये भी हो गया, मैंने आप लोगों को पेल्विस पेरिनियम का ओवरव्यू भी दे दिया, और जो है आप लोगों को लिगामेंट्स भी करवा दिए इसके यूट्रस के, सही। अच्छा, सेकेंडली सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सर क्लास कब शुरू हुई, कोई लिंक नहीं आया। बेसिकली दिस इज़ अ रिकॉर्डेड लेक्चर ना, अभी मैं लाइव ले रहा हूँ, बट रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल, सो इट्स नथिंग टू बी वरी अबाउट, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेल्विक डायफ्राम भी समझ आ गया आप लोगों को, पेल्विस वो भी आ गया। अच्छा, मैंने ना सिर्फ और सिर्फ पाउचेस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इनके जो मज़ीद जो है वो पाउचेस के वो जो है कंटेंट्स भी और इसके ज़्यादा डिटेल्स में भी हम जा सकते हैं, बट मैंने पेरिनियम का जो है ना मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। ये ऑलमोस्ट 17 मिनट्स 18 मिनट्स के लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको सुने और पेरिनियम को एक रीड दें, थिंग्स विल बिकम क्वाइट ईजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। बाकी इंशाल्लाह रोज़ का रोज़ हम कुछ ना कुछ जो है ना वो एनाटॉमी से रिलेटेड करते जाएंगे। थैंक यू जी।